हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अदाकारा जिसने दूरदर्शन के जमाने से फिल्मों के दौर तक अपनी जबरदस्त एक्टिंग से लाखों लोगों को अपना फैन बनाया। एक छोटे शहर की लड़की के हुनर को बखूबी उजागर करने वाली, अपनी शख्सियत की पहचान खुद बनाने वाली, आत्मविश्वास से लबरेज एक जिंदा दिल औरत, इनका चेहरा ही इनकी पहचान है। 24 अक्टूबर 1960 को देहरादून में हिमानी का जन्म हुआ था। उन दिनों देहरादून उत्तर प्रदेश राज्य का एक बेहद अहम शहर हुआ करता था। इनके पिता का नाम था डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश। इनके पिता एक जाने माने कवि और साहित्यकार थे। इस तरह हिमानी शिवपुरी का नाम उन दिनों हुआ करता था हिमानी भट्ट। चूंकि इनके पिता दून स्कूल में संस्कृत और हिंदी में टीचर थे, तो हिमानी की शुरुआत पढ़ाई भी देहरादून के प्रख्यात दून स्कूल में हुई थी। हिमानी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, साथ ही साथ ये स्कूल में होने वाली कल्चरल एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेती रहती थी। ये भरतनाट्यम सीखती थी, साथ ही साथ सिंगिंग की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी इन्होंने ली थी। पहली दफा स्कूल में होने वाले नाटकों में ही इन्होंने एक्टिंग करना शुरू किया था और इत्तेफाक से उन स्कूली नाटकों में ये इतनी जबरदस्त एक्टिंग किया करती थी कि इनके टीचर्स इन्हें सलाह दिया करते थे कि इन्हें फिल्म लाइन ज्वाइन करनी चाहिए। मगर उस वक्त हिमानी फिल्म लाइन ज्वाइन करने से साफ इनकार कर दिया करती थी, क्योंकि उस जमाने में इनका सपना था पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनना। इनके परिवार के लोग भी यही चाहते थे कि चूंकि ये पढ़ने लिखने में बहुत बढ़िया है, तो इन्हें तो डॉक्टर या साइंटिस्ट ही बनना चाहिए। किस्मत ने कुछ और ही तैयारी की थी। स्कूली पढ़ाई खत्म होने के बाद हिमानी ने देहरादून से ही अपनी आगे की पढ़ाई की। हिमानी ने बीएससी में अपना ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद हिमानी ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी किया। एमएससी के दौरान ही इनकी किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि साइंस की दुनिया में जाने की बजाय हिमानी भट्ट कला और संस्कृति की दुनिया में आने की तैयारी करने लगी। हिमानी जब एमएससी कर रही थी, तभी इन्होंने अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ देहरादून का एक लोकल थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। पूरे दिन बायोकेमिस्ट्री की लैब में एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद शाम को जब ये अपने दोस्तों के साथ थिएटर किया करती थी, तो इन्हें बड़ा मजा आता था। धीरे धीरे ये थिएटर के करीब होती चली गई। एक वक्त पर जो हिमानी भट्ट पढ़ लिख कर डॉक्टर या साइंटिस्ट बनना चाहती थी, वो अब थिएटर से प्यार करने लगी थी और इसी में अपनी जिंदगी का मकसद तलाशने का ख्वाब संजोने लगी। इत्तेफाक से एक दिन इनके थिएटर ग्रुप में एनएसडी की एक वर्कशॉप हुई। उस दिन पहली दफा हिमानी को पता चला कि देश में एनएसडी जैसी कोई संस्था भी है जो थिएटर की प्रॉपर ट्रेनिंग देती है। हिमानी ने फैसला कर लिया कि एनएसडी ज्वाइन करके दिल्ली जाएगी। लेकिन चूंकि ये पढ़ाई लिखाई में भी शानदार थी, तो इसी दौरान इन्हें बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई अमेरिका से करने के लिए एक स्कॉलरशिप भी मिली। अब हिमानी के लिए यह फैसला करना मुश्किल हो गया कि वो एनएसडी जाए या फिर और ज्यादा पढ़ने अमेरिका जाए। इत्तेफाक से जब ये वीजा का इंटरव्यू देने दिल्ली आई थी, तो तभी इन्होंने एनएसडी का भी इंटरव्यू दे दिया। एनएसडी ने इनके हुनर को पहचानते हुए इन्हें दाखिला भी दे दिया। हिमानी को पता था कि ये बात जब उनके घर वालों को पता चलेगी तो वहां काफी हंगामा होगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। देहरादून अपने घर वापस पहुंचकर जब हिमानी ने घर वालों को बताया कि वो अमेरिका नहीं जाएंगी बल्कि थिएटर की पढ़ाई करने एनएसडी दिल्ली जाएंगी, तो उन्हें जोर का झटका लगा। उन्हें यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उनकी बेटी उनसे एक सब कह रही है। हिमानी के घर वालों ने इन्हें काफी समझाने की कोशिश की कि वो अमेरिका जाकर पढ़ने का मौका ना छोड़े, लेकिन हिमानी थिएटर किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहती थी। खुद हिमानी के पिता ने उनसे कहा कि तुम पहले अमेरिका हो आओ, उसके बाद अगर थिएटर करने का दिल करे तो फिर जरूर कर लेना। लेकिन हिमानी ने अपने पिता से कह दिया कि वो अपने जीवन में किसी तरह का पछतावा नहीं करना चाहती, इसलिए वो अभी थिएटर को ज्वाइन करेगी। आखिरकार पिता ने अपने बेटी को सपोर्ट करने का फैसला किया और रिश्तेदारों के तमाम विरोध के बाद भी बेटी को एनएसडी ज्वाइन करने की इजाजत दी। एनएसडी से पास आउट होने के बाद हिमानी दूसरों की तरह खुद को फिल्म इंडस्ट्री में नहीं ले गई। इन्होंने फैसला किया था कि ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर ही किया करेंगी। अपने जानकारों से ये कहती भी थी कि ये बॉम्बे नहीं जाएंगी, दिल्ली में रहकर ही थिएटर करेंगी। चूंकि हिमानी घर से कोई पैसा अपने लिए नहीं लेना चाहती थी, तो उन्होंने एनएसडी की रेपेटरी में नौकरी शुरू कर दी। इन्हें 600 रुपये तनख्वाह मिलती थी। उन 600 रुपये में से 200 रुपये ये कमरे का किराया भरा करती थी और बाकी बचे 400 रुपये में ये अपना सारा खर्च चलाती थी। अगले 10 सालों तक हिमानी एनएसडी रेपेटरी से जुड़ी रही।
यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि एनएसडी में जब ये पढ़ रही थी तो इन्हें बाहर जाकर थिएटर या कोई काम करने की परमिशन नहीं थी, मगर अपनी एक दोस्त के साथ दूरदर्शन के शो कृषि दर्शन में छिपकर काम करती थी। इससे इन्हें कुछ पैसे मिल जाया करते थे। इसी दौरान ही इन्हें अब आएगा मजा नाम की फिल्म मिली, जो इनके करियर की पहली फिल्म थी। इस फिल्म के हीरो फारूक शेख थे और फिल्म के प्रोड्यूसर थे आलोक नाथ। चूंकि आलोक नाथ इनके सीनियर रह चुके थे तो उन्होंने इन्हें वो फिल्म ऑफर की थी। इसके बाद इन्होंने इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस नाम की एक अंग्रेजी फिल्म में काम किया। ये फिल्म अरुंधति रॉय ने बनाई थी। कमाल की बात यह है कि इस फिल्म में अरुंधति रॉय ने खुद भी एक्टिंग की थी और आज के दौर के सुपरस्टार शाहरुख खान भी इस फिल्म में नजर आए थे। यह फिल्म टीवी पर रिलीज की गई थी, लेकिन हिमानी घर घर में एक जाना पहचाना चेहरा बनी दूरदर्शन के शो हमराई से। हमराई में हिमानी के निभाए देवकी भौजाई के किरदार ने इन्हें बहुत लोकप्रियता दिलाई थी। हालांकि हमराई से पहले भी हिमानी यात्रा और फिर वही तलाश जैसे टीवी शो कर चुकी थी, लेकिन देवकी भौजाई के रोल में हिमानी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। यहां आपको ये बताना भी जरूरी है कि दूरदर्शन के पहले शो हम लोग में छुटकी के रोल के लिए भी हिमानी भट्ट को अप्रोच किया गया था, पर चूंकि उन दिनों हिमानी सिर्फ और सिर्फ थिएटर करना चाहती थी तो उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया था। आगे चलकर हिमानी टीवी का एक बहुत बड़ा नाम बनी। बात अगर इनके फिल्मी करियर की करें तो पहली फिल्म के कुछ सालों बाद हिमानी ने श्याम बेनेगल की सूरज का सातवां घोड़ा, 2 साल बाद दिलवाले और फिर धनवान फिल्म में काम किया। साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म मम्मो में इन्होंने अनवरी का यादगार रोल निभाया। लेकिन इसी साल इनकी एक ऐसी फिल्म आई जिसमें इन्हें कमर्शियल फिल्मों की एक जबरदस्त कैरेक्टर एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश कर दिया। यह फिल्म थी राजश्री प्रोडक्शन की हम आपके हैं कौन। रजिया अपा के रोल में हिमानी को हर किसी ने पसंद किया। यह रोल हिमानी को मिलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल शुरू में हिमानी मुंबई नहीं जाना चाहती थी। अब तक ज्ञान शिवपुरी से यह शादी कर चुकी थी और हिमानी भट्ट से हिमानी शिवपुरी हो चुकी थी। इनका एक बेटा भी हो गया था। इनके पति एक्टर ज्ञान शिवपुरी ने उन्हें मुंबई जाने के लिए प्रेरित किया। मुंबई में एक टीवी शो में ज्ञान शिवपुरी और हिमानी शिवपुरी दोनों को काम मिला। बेटे को हॉस्टल में छोड़ ये दोनों मुंबई पहुंच गए। मुंबई पहुंचकर दोनों ने उस शो में काम किया, लेकिन जब वो शो खत्म हो गया तो इन दोनों को मुश्किलें खड़ी हो गई। इन्हें काम की जरूरत थी लेकिन इनके पास काम नहीं आ रहा था। इसी दौरान सूरज बड़जात्या हम आपके कौन फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने हिमानी शिवपुरी को एक नाटक में हज्जो का किरदार निभाते देखा था। सूरज ने हिमानी को फोन किया और अपनी फिल्म में रजिया का किरदार ऑफर किया। हालांकि शुरू में सूरज को लग रहा था कि चूंकि हिमानी इतनी बड़ी अदाकारा है तो शायद वो ये रोल निभाने से इनकार कर देगी, लेकिन चूंकि हिमानी को उन दिनों काम की बहुत जरूरत थी तो उन्होंने इस मौके को तुरंत लपक लिया। हम आपके कौन के साथ ही हिमानी शिवपुरी की फिल्मी करियर भी चल निकली। अपने अब तक के फिल्मी करियर में हिमानी शिवपुरी ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। 150 से भी ज्यादा फिल्मों का यह हिस्सा रह चुकी है। इनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म में से एक है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म में ये कम्मो के रोल में नजर आएंगी। हिमानी शिवपुरी को यह रोल मिलने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। हुआ कुछ यूं था कि उन दिनों हिमानी जी टीवी के शो हसरते की शूटिंग कर रही थी। एक दिन उनके पास आदित्य चोपड़ा का फोन पहुंचा और उन्होंने इन्हें बताया कि वो अपनी एक फिल्म में इन्हें कास्ट करना चाहते हैं। हिमानी ने उन्हें बांद्रा में अपनी शूटिंग लोकेशन पर बुला लिया। आदित्य चोपड़ा वहां पहुंचे और शूटिंग ब्रेक्स में वो हिमानी को DDLG की कहानी सुनाते रहे थे। फिल्म की कहानी जब इंटरवल तक पहुंची तो हिमानी ने आदित्य चोपड़ा से कहा कि वो ये फिल्म कर रही है। आदित्य चोपड़ा ने हैरान होते हुए इनसे कहा कि अभी तो आपको रोल तक कहानी पहुंची ही नहीं, आप बिना अपना रोल जाने फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर रही है, बाद में मुकर तो नहीं जाएंगी। हिमानी ने कहा कि फिल्म की कहानी में बहुत दम है, इसलिए वो इस फिल्म को जरूर करेंगी। हिमानी शिवपुरी के निजी जीवन की बात करें तो इनके पति के बारे में तो आप काफी कुछ जान ही चुके हैं। ज्ञान शिवपुरी से इनकी मुलाकात NSD में हुई थी और वहीं पर इन दोनों की दोस्ती हुई और फिर दोनों के बीच प्यार हुआ। बाद में दोनों ने शादी कर ली थी। दोनों का एक बेटा है जिसका नाम है कात्यायन। हिमानी शिवपुरी के पति ज्ञान शिवपुरी गुजरे जमाने के नामी एक्टर ओम शिवपुरी के छोटे भाई थे, यानी मशहूर अदाकारा सुधा शिवपुरी
हिमानी शिवपुरी की जेठानी थी। हिमानी शिवपुरी अब 62 साल की हो चुकी है। वो अब भी फिल्मों में एक्टिव है। वो अपने होमटाउन देहरादून में हर साल एक थिएटर वर्कशॉप का आयोजन करती है। 2016 में हिमानी शिवपुरी को फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए संगीत नाट्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।